वेलकम गाइस, मैं हूं आपका एक्सेल ट्यूटर और मैं इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं कि डिलीट बॉर्डर। अब देखो, ये हमने बॉर्डर क्रिएट किया। अब हम चाहते हैं कि ये जो बॉर्डर है इसको हम हटाना चाहते हैं। ये देखो, ये जितना भी है यहाँ पर हमारा बॉर्डर किया हुआ, तो इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और वापस से यहीं पर जाएंगे हम बॉर्डर ऑप्शन पर, और यहाँ पर लिखा होता है नो बॉर्डर। अगर हम नो बॉर्डर करेंगे तो देखिए ये सब हट गया, एकदम प्लेन हो चुका है, तो एकदम वाइट हो चुका है। वापस से हम क्लिक करेंगे तो हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, और हम अगर वापस से हटाना चाहें तो नो बॉर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं डिलीट मल्टीपल रोज। देखिए, डिलीट मल्टीपल रो क्या होता है, जिस तरीके से हमने ये कॉलम डिलीट किए हैं उसी तरीके से हम जो ये नंबर में रो लेफ्ट साइड में जो दी हुई है ये भी हम डिलीट कर सकते हैं। 16 जो नंबर है इसको क्लिक करूं तो देखिए ये पूरा सेलेक्ट हो चुका है, लास्ट तक जितनी भी रोज हैं सारी सेलेक्ट हो चुकी हैं। और मैं यहाँ पर कंट्रोल माइनस अगर प्रेस करता हूँ तो ये हमारा डिलीट हो चुका है। फिर मैं कंट्रोल जेड वापस करता हूँ तो ये देखिए, इसको बोलते हैं डिलीट करना, यानी एक रो को डिलीट करना। लेकिन जब मल्टीपल रो की बात करेगी तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम 12 से लेके 16 तक हम चाहते हैं कि हम इतना सेलेक्ट करें, और ये हम कंट्रोल माइनस करें तो ये देखिए पूरा डिलीट हो चुका है, और जो नीचे का जो डेटा है वो ऊपर शिफ्ट हो चुका है। हम कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो ये भी देखिए बहुत ही आसान है, ये भी डिलीट करना। इस तरीके से हम रो को डिलीट कर सकते हैं। और देखो दोस्तों, जब भी आप एक्सेल पर काम कर रहे हैं तो आप एक बात ध्यान रखें कि हमेशा कॉलम को सेलेक्ट करके ही डिलीट करें, और इसी टाइप से रो को सेलेक्ट करके ही डिलीट करें। लेकिन ये तब करें जब हमें चाहिए कि पूरा रिकॉर्ड हमें यहाँ से डिलीट करना हो। जैसे हमें अगर चाहिए 15 नंबर रो है या हम पूरा कॉलम डिलीट करना आगे तक, तो हम कर सकते हैं। अदरवाइज हमें चाहिए कि हमें केवल ये सिंगल डिलीट करना है तो 16 और फिल सीरीज ये डिलीट हो जाए, तो हम कंट्रोल माइनस करेंगे। अभी देखो, हमने ना तो पूरा कॉलम सेलेक्ट किया है और ना ही पूरा रो सेलेक्ट की है, तो अब हम सिर्फ डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं कि ये 16 और फिल सीरीज को हम डिलीट कर रहे हैं। तो इसको हम डिलीट जब करेंगे तो अगर हम एंटायर करेंगे तो पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा, लेकिन अगर हम शिफ्ट सेल लेफ्ट करते हैं या अप करते हैं तो ये, या एंटायर रो करते हैं तो ये एंटायर रो एंटायर कॉलम तो पूरा डिलीट करेगा, लेकिन हम शिफ्ट सेल्स अप तो इसमें ये डिलीट हो जाएगा, और ये जो 17th है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा डेटा। हम देखते हैं, ये देखिए ये 17th पे शिफ्ट हो गया डेटा, ये वाला डेटा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो इसको हम बोलते हैं, हम कंट्रोल जेड करेंगे तो हम ये भी कर सकते हैं, बट हमें डेटा देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इधर का डेटा, अगर इसके करेस्पॉन्डिंग कोई डेटा होता है, जैसे मैं इसको भी अच्छे से बता देता हूँ कि जैसे ये फिल सीरीज है, सपोज करें इसका एक ये है, मैंने लिखा है इसके आगे डन, और अगर मैं इसको लिखूँ डन, और अगर मैं इसको कंट्रोल माइनस करता हूँ और देखिए, और मैं अप करता हूँ तो ये देखिए वो डिलीट हो गया, लेकिन फिल सीरीज पर जो मैंने डन लिखा था अब ये फिल्टर पर डन हो गया, जबकि हमने फिल्टर वाला पार्ट तो अभी किया ही नहीं है। तो इसका भी ध्यान रखें कि किस टाइप से हम करें, कंट्रोल जेड करें। तो इसलिए या तो पूरा डेटा सेलेक्ट करके करें, जितना डेटा हमें अप करना है, शिफ्ट करना है, और जितना हमें डिलीट करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। आई होप कि ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर कोई भी एक्सेल में कोई समझने में अगर प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर कमेंट्स करें, और प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।